अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फैसलाबाद पिजन। भाई क्या हाल है, सब ठीक ठाक हो? आज आपके लिए मैं 3 पेयर लेके आया हूँ। और बहुत से भाई मुझे बोलते हैं, शानी भाई यार रेट आजकल ज़्यादा होता है, तो इस टॉपिक के बारे में चले गए। मैंने कहा यार ये मुनासिब सा रेट ही लेके आ जाऊँ आप लोगों के लिए, कि आपको मैं दूसरे कबूतर दिखा देता हूँ। भाई ये आपको इनकी मैं प्राइस भी बता दूंगा। और ये 3 कबूतर हैं और ये मुनासिब सा रेट है बिल्कुल, ठीक है। बहुत से लोगों ने भाइयों ने कहा यार शानी भाई आप जो रेट लगाते हो वो यार बड़ा हैवी होता है। भाई जान मैं कबूतर चुन के लेके आता हूँ, ठीक है ना। मैं ऐसे कबूतर जो मिलते हैं, ये देखें आप वीडियो देख रहे हैं ना, मैं इस टॉपिक के बारे में इसलिए वीडियो बनाई है कि आप लोगों को ना थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए। ये देखने में भी अच्छे लग रहा है, ठीक है। और मैं जोड़ हड्डी का मजबूत कबूतर लेके आता हूँ, सही है। और पर पे पढ़ चढ़ाओ कबूतर की मेन निशानी होती है, वो लेके आता हूँ। और अच्छा कबूतर क्वालिटी का लेके आता हूँ। तो मुझे तो नहीं है यार मैं 2 से आम लेके भी आ जाऊँ 300-400 का पर का, 500 का पर का, तो वो बात नहीं है। कबूतर की क्वालिटी, कबूतर पे डेफिनेट पे, कबूतर पे डेजिनेशन पे सारी बातें मैं क्लियर करूँगा। ये आप इसकी आइज़ देख लें जनाब, ये मादी कालनों की, ये वो नर था, ठीक है। इसके पर देख लें, ये मुनासिब सा रेट है। बड़े लोगों ने कहा भाई शानी भाई मुनासिब सा लेके आया करो, तो ये है भी मुनासिब से जनाब, ना तो ज़्यादा प्राइस है भी ठीक है, और अच्छे जोड़ हड्डी इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है मेरे अंदाज़े से। तो ये उनके लिए मैं वीडियो बनाई है जो कहते हैं शानी भाई थोड़ा सा रेट ज़्यादा होता है। वो भाई जाने रेट ज़्यादा होते हैं लेकिन गारंटी होती है जो मैं चीज़ लेके आता हूँ, बच्चों की गारंटी होती है, अंडे बच्चों की। लोग तो यार सेल करते हैं यूट्यूब पे, अक्सर आपने देखे होंगे, अंडे बच्चों की गारंटी नहीं होती। मैं आपको छोड़ के साथ दिखाता हूँ, ये देखना, अंडे बच्चों की गारंटी नहीं होती, ना बोत डालता है ना कुछ वगैरह इधर उधर वगैरह, ये देख लें। लोग फिर भी कहते हैं शानी, मैंने यार इसलिए टॉपिक के बारे में वीडियो बनाई है ताकि आपका डाउट जो है ना आज इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूँ। सो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा। आगे सीज़न आ गए, सीज़न में आपको दड़े वगैरह का शौक कराता जाऊँगा और साथ आपको काफ़ी इंटरटेन होगी, सही है। और इंशाल्लाह जो दड़े उठेंगे, इधर बाजियाँ 10 लगी हैं, वो बाजियाँ भी आपको मैं पूरा शौक करवाऊँगा बाजियों में, तो आपको पता चल जाएगा कबूतरबाजी कि ये किस कौन सा इलाका है और क्या कबूतरबाजी है। इधर इतनी कबूतर बाहर से कबूतर आके इधर कोई विक्ट्री हासिल करके नहीं गया, मेरे कहने का मतलब जीत के नहीं गया, इतनी ज़्यादा इधर कबूतरबाजी होती है, ठीक है। मैं इधर का नाम नहीं बता सकता फ़िलहाल, ये जंग रोड वाली साइड पे आपको मैं साथ साथ बता दूंगा जब वीडियोस में बनाता जाऊंगा। इंशाल्लाह सीज़न आ गया, वीडियो में आपको बताया करूंगा ये कौन सा डेरा है, कहाँ उड़ते हैं कबूतर, ये सारी बातें वगैरह, ये पर वगैरह चेक कर लें भाई जान। और ये देख लें, बड़े लोगों ने भाइयों ने कहा शानी भाई यार हमें यार कबूतर अच्छे अच्छे हमें मिल जाए ये वो। मैं इस वीडियो में क्लियर डाउट करूंगा यार कि मैं चीज़ पसंद वाली लेके आता हूँ। ये देख लो ये चीज़ है, इनके ना जोड़ इतने ख़ास है और पर फिलहाल ठीक है, शक्ल में सूरत वगैरह अच्छी लग रहे हैं, ठीक है, और इतने ख़ास मुझे नहीं लगे। सीधी सी मैं बात करूँगा भाई, और ये मुनासिब सा रेट है भाई जान, कौन सा ज़्यादा है मैं आपको इनकी प्राइस भी बता दूँगा। और ना इनके कोई बच्चे वगैरह उड़ेंगे मेरे ख्याल से, ना ये खुद उड़ेंगे, तो ये एक बात करता हूँ मैं क्लियर इस टॉपिक में, मैंने क्लियर की है बात कि इनके ना इतने जोड़ खास है और ना ये सूरत में बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के लग रहे हैं आपको। लेकिन ये भी यही मैं आपको स्पीच कर रहा हूँ कि थोड़ा सा भाई समझें, ठीक है। मैं थोड़ा सा रेट लेके लेकिन चीज़ में अच्छी लेके आता हूँ, सही है। और डिस्प्रेशन ना डाला करें यार की शानी भाई ये हो गया वो, ये है भी यार 500 रुपये पर है, और अगर किसी भाई ने लेने हैं तो 500 रुपये पार है, और रब्ता करे। इतना से रेट मुझे इजाज़त दे जनाब।